आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। सपा पार्टी कार्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। सपा पार्टी दफ्तर पर आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी देर में भाजपा के बागी ज्वाइन करेंगे सपा। बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक ज्वाइन करेंगे सपा। पार्टी दफ्तर पर कई नेताओं के साथ अखिलेश की मीटिंग जारी। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीट बंटवारे को लेकर चल रहा बड़ा मंथन। सपा पार्टी दफ्तर पर आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में भाजपा के बागी ज्वाइन करेंगे सपा। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक ज्वाइन करेंगे सपा। बड़ी खबर सामने आ रही है, पार्टी दफ्तर पर कई नेताओं के साथ अखिलेश की मीटिंग जारी। सीट बंटवारे को लेकर चल रहा बड़ा मंथन, बड़ी खबर सामने आ रही है सपा से, जहां दफ्तर में आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में भाजपा के बागी ज्वाइन करेंगे सपा। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक ज्वाइन करेंगे सपा। पार्टी दफ्तर पर कई नेताओं के साथ अखिलेश की मीटिंग जारी। इस खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से मीटिंग चल रही है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस वक्त जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा लगा हुआ है, और अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साबित हो जाएगा कि कौन कौन आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाला है। फिलहाल मैं अभी अगर आपको डेट बताऊं तो जो मंच है उस मंच पे जितने भी जो विधायक बाकी विधायक है उनका आना और बैठना लगभग शुरू हो गया है। और उनकी अगर संख्या बताई जाए तो भगवती सागर है, विनय चाक है, ब्रजेश प्रजापति है, आर के वर्मा है, मुकेश वर्मा है, रोशन लाल वर्मा है, ये सारे जो विधायक हैं ये सब विधायक इस वक्त मंच पर आकर बैठ गए हैं। और अभी से थोड़ी देर बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी आएंगे और एक बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होनी है। जी नितिन, क्या कुछ जानकारी है, अब तक कितने बीजेपी के नेता छोड़ चुके पार्टी और सपा में ज्वाइन होने जा रहे? जितने भी बीजेपी नेताओं ने सपा का दामन थामा है, तो उनको क्या सबको सीट मिलने का आकलन किया जा रहा है? देखिए, अभी ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं प्रॉपर तरीके से जारी की जाएगी तब तक ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कुछ है, कुछ राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक है वो भी अखिलेश यादव के इस वक्त चल रही है। उस बैठक के बाद ये पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीट दी जा रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश यादव की इस वक्त बैठक चल रही है। अखिलेश यादव ने प्रकाश राजवल से कहा था कि चंद्रशेखर को भी बुलवाइए और देखिए कितनी सीटों पर वो मानते हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर आजाद भी सपा कार्यालय पहुंचे और उनके साथ भी अखिलेश यादव की बैठक हो रही है। और सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 सीटों का जो ऑफर है वो भी चंद्रशेखर आजाद की बात को माना गया है अखिलेश यादव की तरफ से। इसके अलावा कई और जो बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी थोड़ी देर पहले भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। कई सारे प्रमुख विधायक जो बीजेपी छोड़कर आए हुए हैं वो भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। और सबके साथ मीटिंग और सबको ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो उससे थोड़ी देर बाद होगी। नितिन, क्या लग रहा है, अखिलेश क्या बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से जो पार्टी छोड़कर आए हैं सपा में, तो उनको तो सीट देनी ही देनी है, साथ ही अपने विधायकों को कैसे मनाएंगे? क्योंकि अगर बीजेपी के नेताओं को जो कि पार्टी छोड़कर आए, अगर उनको सीट देते हैं तो सपा के नेता बागी हो सकते हैं। देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर केंद्रीय नेता अगर एक बार सरकार आ जाती है तो सरकार आने के बाद जो नाराज होंगे प्रत्याशी उनको भी कई सारे रास्ते उनके लिए खोले जा सकते हैं। और ये खुद समाजवादी पार्टी भी जानती है, ये बीती सरकार भी जानती थी कि जो नाराज हो जाएगा विधायक या फिर जो नाराज हो जाएगा प्रत्याशी उसको कैसे मनाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी में भी देखा गया था कि जब बीजेपी में बसपा छोड़कर सपा छोड़कर कई सारे बागी जब आए थे 2017 में, तो उन्हें टिकट दिया गया था, तो उस दौरान भी कई सारे जो कार्यकर्ता थे, कई सारे जो प्रत्याशी थे वो नाराज हुए थे, लेकिन उन सबको मना लिया गया। तो ये दल छोड़ने के बाद नाराजगी की जो प्रक्रिया है ये आम बात है, लेकिन उसे पार्टी मना लेती है, उसे पार्टी किस तरह से आगे की रणनीति में इस्तेमाल करती है, सरकार अगर बन जाती है तो सरकार बनने के बाद क्या करती है, ये सब पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। और अगर प्रमुख नेता अगर अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ उन प्रत्याशियों को जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनका टिकट कटता और उनको बुलाकर एक बार ये नेता बोल भी देते हैं कि ठीक है अगली बार देख लिया जाएगा या कुछ अच्छा कर देंगे, तो उतने में ही वो मान जाता है। फिलहाल अभी जो बयार बह रही है उस बयार के अनुसार यही है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की और नेता विधायकों की बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है।
जी नितिन, क्या अभी भी ऐसी कोई संभावना है कि जिन विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा वो अभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं सपा से? क्या कह रही है, मैं सुबह मैंने आपका सवाल नहीं सुना। जी नितिन, क्या ऐसी कोई संभावना है कि अभी भी कोई नाराज हो सकता है या फिर पहले ही सारे समीकरण बन चुके हैं अगर किसी नेता या विधायक को सीट नहीं मिलती है? जहाँ पर जो विधायक तैयारी कर रहा था, पहले से प्रत्याशी तैयारी कर रहा था, अगर उसका टिकट कटेगा तो वो नाराज होगा, लेकिन ये पार्टी की इंटरनल चीजें हैं, पार्टी कहाँ से मना लेगी, कैसे मना लेगी, उसके बाद नेतृत्व क्या उस पर एक्शन लेता है, नेतृत्व कैसे उसे मनाता है, ये सारी चीजें जो है वो आगे की सिलसिले की प्रक्रिया। जी नितिन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन कौन मौजूद है सपा कार्यालय में? देखिए, बड़े पैमाने पर जो बीजेपी से निकले हुए विधायक है वो मौजूद है, जिसमें हम स्वामी प्रसाद मौर्य प्रमुख नाम है वो मौजूद है, अभी दारा सिंह चौहान और आपके आयुष मंत्री जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है धर्म सिंह सैनी, वो मौजूद है या नहीं इसके बारे में भी नहीं बता पा रहे हम, लेकिन इसके अलावा जो मंच पर विधायकों की संख्या है वो भगवती सागर उसमें बैठे हैं, विनय साक्ष बैठे हैं, ब्रजेश प्रजापति बैठे हैं, आर के वर्मा मौजूद है, मुकेश शर्मा मौजूद है, रोशन लाल वर्मा मौजूद है, तो ये सारे जो बाकी विधायक है वो इस वक्त मंच पर आ चुके हैं और थोड़ी देर में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी आएंगे और जो प्रमुख ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, हर एक अपडेट पे नजर बनाए रखिए और हमें जानकारी देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में ही भाजपा के बागी ज्वाइन करेंगे सपा। बड़ी खबर सामने आ रही है सपा कार्यालय से, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक ज्वाइन करेंगे सपा। कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं जिनसे गठबंधन हुआ है, सभी दल के नेता मौजूद हैं और चर्चा चल रही है। अखिलेश सबसे बातचीत कर रहे, सीट बंटवारे को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश। सूची जारी करी जाएगी कि कहां से कौन सा प्रत्याशी उतारा जा रहा है, साथ ही कितनी सीटें किस गठबंधन दल को दी जा रही है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक सपा भी ज्वाइन करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीड़ भी देखने को मिल रही है, सभी नेता विधायक पहुंच चुके हैं। जिन लोगों ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया है और सपा ज्वाइन करने वाले, वो सभी विधायक और नेता भी पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सपा पार्टी दफ्तर से, जहां बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बागी ज्वाइन करेंगे आज सपा, बीजेपी के बागी सपा ज्वाइन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक सपा ज्वाइन करेंगे। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। आज 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। सुबह से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था सपा कार्यालय के बाहर। बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, नेता मौजूद है, गठबंधन दल के नेता या फिर बागी बीजेपी नेता सभी मौजूद है। बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक ज्वाइन करेंगे सपा। और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है गठबंधन दलों को लेकर, सीट शेयरिंग की बात करी जा रही है और सीट शेयरिंग पर इस वक्त बड़ा मंथन चल रहा है। अखिलेश इस वक्त सभी के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में ये निकल के सामने आएगा कि किसे कितनी सीटें देनी है, क्योंकि अखिलेश के लिए भी एक ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अपने विधायकों को भी नाराज नहीं करना है, साथ ही जो बीजेपी छोड़कर आए हैं साथ ही उनको भी एक जगह देनी है। तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है अखिलेश के लिए। और कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए जिससे सपा जीत हासिल कर सके, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक समीकरण बैठाया जा रहा है। तो थोड़ी देर में भाजपा के बागी ज्वाइन करेंगे सपा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायक जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है वो सपा का साथ ज्वाइन करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीट बंटवारे को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। तो सपा पार्टी दफ्तर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में ही भाजपा के बागी ज्वाइन करेंगे सपा। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ साथ जितने भी बीजेपी के बागी नेता हैं वो सभी जुड़ने वाले हैं सपा से। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से सभी नेता मौजूद है। अभी अखिलेश चर्चा कर रहे हैं, बड़ा मंथन कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, और हम ये सीधी तस्वीरें आपको सपा कार्यालय से दिखा रहे हैं जहां पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें सूची का ऐलान किया जाएगा, जितने भी विधायक है नेता है जिनका नाम और प्रत्याशी है जिनको उतारा जाएगा मैदान में, उनके नाम की घोषणा की जाएगी सार्वजनिक रूप से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विभांशु, क्या माहौल देखने को मिल रहा है सपा कार्यालय में? समाजवादी पार्टी की तरफ से आज ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक की गई है
इस बैठक में महंगाई प्रभाव और 22 में बदलाव का नारा दिया गया है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे मंच लगाया गया है जो वर्चुअल तरीके से प्रेस वार्ता की जा रही है। यहाँ पे जो भी विधायक भाजपा से अलग होकर और सपा का आज दामन थामने वाले हैं मंच पहुंच गए। आपको बता दें कि यहाँ 30 कुर्सियां लगाई है। स्टार्टिंग के पहले रोज से दाहिने साइड पे ब्रजेश प्रजापति जो कि युवा विधायक है वो भी भाजपा का दामन छोड़ के आज सपा ज्वाइन कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में आप देख सकती है कि भगवती प्रसाद है जो कि कानपुर की एक विधानसभा सीट से विधायक है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ अपना दल के जो विधायक कल अपना दल को छोड़कर जो एनडीए का कोलिजन था उसको छोड़कर आज सपा का दामन थाम रहे हैं। वही आपको बता दें कि साई प्रसाद मौर्या भी कुछ ही समय में यहाँ आ जाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि धर्म सिंह सैनी को लेकर कहा जा रहा है कि अभी उनकी सदस्यता नहीं हो रही है, उनकी सदस्यता 2 दिन बाद होगी किसी कारणवश। अब देखिए आपको सीधा बताना चाहेंगे कि यहाँ अच्छा खासा भीड़ है। अब देख सकती है कि पीछे कितने लोग बैठे हैं। अगर कोविड नियमों की बात की जाए साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है और ये दिखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। विभांशु, जिस तरह से बीजेपी के बाकी नेता थे उनको सिर्फ एक ही विकल्प सपा ही क्यों दिखाई दे रहा है? जी आपको बता दें कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां जब से गर्म हुई है तब से दो पार्टियों का नाम सीधे सीधे जो लेफ्ट टू लेफ्ट परफॉर्मेंस है वो भाजपा और सपा के बीच है। जो कड़ी चुनौती जो दो पार्टियां सीधे उभर के आ रही है वो सपा और भाजपा है। सपा ने भी एक मोर्चा बनाया है गठबंधन का, वहीं भाजपा ने भी अपने डबल इंजन का गठबंधन बनाया है। अब देखना ये होगा कि जनता किसको पसंद करती है और किसको चुन के विधानसभा भेजती है और किसको बहुमत देती है। साफ तौर पर आप देख सकती है कि ऐसा हर चुनाव के समय होता है, चाहे बंगाल देखे चाहे पंजाब देखे चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव देखे, नेताओं का आवागमन लगा रहता है और इसी कड़ी में आप मगर नेताओं का आवागमन जब भी होता है तो सरकार बदलती है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या होता है। अब तक लगभग 14 विधायक 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं भाजपा से। वही साई प्रसाद मौर्या की तरफ से कल एक बयान दिया गया जिसमें बताया गया कि भाजपा साफ है और मैं निवला हूँ। तो वो इस चीज को कल मीडिया के सामने कुछ संस्थानों के बोले कुछ जगहों पे कि भाजपा को मैं खत्म करके ही नाम लूंगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे नेताओं का जो अनेक अनेक विधानसभा क्षेत्र से तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि पीछे जो सीढ़ियां बनाई गई है उसके ऊपर तक कार्यकर्ता बैठे हैं। साफ तौर पर अगर देखें तो प्रथम चरण का जो आज से अधिसूचना जारी कर दी है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। वही आपको बता दें कि आज से प्रक्रिया शुरू की है, जिन प्रत्याशियों को अगर कोविड होता है या फिर वो कोविड नियमों का पालन करते हुए अगर घर से नॉमिनेशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दीपिका, विभांशु, जिस तरह से अभी नामांकन की सूची जारी करनी है उससे पहले तक यानी कि अभी तक चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है और कहीं ना कहीं गठबंधन अभी भी बाकी लोगों से चर्चा हो रही है गठबंधन को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? जी आपको बता दें कि लोहिया ट्रस्ट में अभी चंद्रशेखर रावण पहुंचे हैं। अभी सीटों के बीच में जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है यू पार्टी आजाद समाज पार्टी, वो चंद्रशेखर अभी अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं लोहिया ट्रस्ट में। उन दोनों के बीच बैठक हो रही है और बैठक खत्म होते ही यहाँ अखिलेश यादव आ जाएंगे और साई प्रसाद मौर्य भी आ जाएंगे। अभी साई प्रसाद मौर्य समाजवादी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, मगर चंद्रशेखर रावण और अखिलेश के बीच में विचार विमर्श हो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। वही अगर बात करें तो सूत्रों से पता चल रहा है कि चंद्रशेखर रावण को भी 2 सीटें मिल सकती है। अब ये 2 सीटें देखनी होगी कि किसे किन प्रत्याशियों को मिलते। एक तो चंद्रशेखर रावण खुद इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी तो जिस तरह से रावण ने बड़ा ऐलान किया है 2 सीटों के बाद भी निकल के सामने आ रही है, अगर दोनों में सहमति बन जाती है तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है विभांशु? जी हम देख सकते हैं कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है जो धराधार है वो दलित वोटरों के लेखा विकीन रहता है। अगर चंद्रशेखर रावण आते हैं तो साफ तौर पे वो एक बड़ा दलित चेहरा है। उन्होंने TA NRC के दौरान उन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें संविधान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था कि चंद्रशेखर उभरते हुए राजनेता है, इनके साथ ऐसी नहीं की जा सकती। इसके बाद चंद्रशेखर का कद काफी बड़ा है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक TV चैनल में बताया था कि हम अगर किसी के साथ टोर्चर
या ग्रसित या क्रोधित लोगों के साथ जो दलित कम्युनिटी से आते हैं उनके साथ अगर सोशल होता है तो चंद्रशेखर पहुंचते हैं वहां पे। हमको बता दें कि 2000 से ऊपर रेप विक्टिम के घर चंद्रशेखर गए और उनको सांत्वना दिया है। तो खास तौर से हम कह सकते हैं कि गठबंधन में जो अखिलेश यादव के साथ रावण जुड़ रहे हैं दलित वोट परसेंट में कुछ बढ़ाव मिलेगा। और खासतौर से अगर नुकसान की बात करें तो जो बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती है उनको साफ तौर पर नुकसान होता दिख रहा है। और अगर बात करें सुश्री मायावती की तो उनके वोटर हमेशा साइलेंट वोटर होते हैं, वो चुनाव के समय ही उतरते हैं। 1% उनकी एक अभी कम हुए हैं, सीटें कम आई है लेकिन 1% उनके कम नहीं हुए। तो इस बार देखने दिलचस्प मुकाबला होगा कि चंद्रशेखर रावण के आने के बाद भी क्या सीटों में बढ़ोतरी होती है, क्या दलित वोटरों को अपने तरफ पोलराइज कर पाएंगे अखिलेश यादव। विभाजी, ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष गठबंधन पे गठबंधन कर रहा है। इससे पहले भी बहुत कोशिश की गई थी बीजेपी को हराने के लिए, लगातार गठबंधन हुए थे। तो इस बार जिस तरह से अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं तो क्या ये गठबंधन सफल होगा? अलग अलग दलों को जोड़ रहे हैं तो क्या कामयाब होंगे 2022 का चुनाव जीतने में? जी आपको बता दें कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ या 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ उस दौरान अनेकों पार्टियों के लोग भाजपा से जुड़ते हैं। अगर बात की जाए अपना दल या सुभाषपा की बात की जाए या निषाद पार्टी का एक अलग विंग था उनकी बात की जाए तो ये सब लोग मिलकर और एक एनडीए जो है जो भाजपा का गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ते हैं और एनडीए की सरकार इसमें बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरी तरह से देख सकते हैं कि 2017 चुनाव में जातिगत समीकरण को बनाकर भाजपा सत्ता में आई, इस बार उसी खेल को अखिलेश करते हुए दिख रहे हैं जिसमें उन्होंने चौहान पार्टी और सुहलदेव पार्टी और साथ ही साथ आपके निषाद पार्टी और अगर बात की जाए जाट लैंड जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत सिंह के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया। तो देखने वाली बात होगी और जनता के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किसको चुनकर और अब विधानसभा में जीती है अपने क्षेत्रों से किसे किस पार्टी के विधायक को चुनती है, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा चुने जाएंगे, जिस गठबंधन के विधायक ज्यादा चुने जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। अब इसका निर्णय जो आने वाला चुनाव है उसमें मतदाता कर देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हर एक खबर पे अपडेट पे नजर बनाए रखिए, विभाषियों में जानकारी देते रहिए। तो सीधे तौर पर सपा भी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेगी और ऐलान करेगी अपनी सूची का, अपने जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उनके नामों का बड़ा ऐलान कर सकती है। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और आखिरी चरण का मंथन चल रहा है। ये बड़ा मंथन है और बड़ा फैसला है जो कि कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। तो वही चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है कि चुनावों से भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता होंगे सपा में शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बादशाह सिंह के सपा में शामिल होने की संभावना, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। चुनावों से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता होंगे सपा में शामिल। बादशाह सिंह के सपा में शामिल होने की संभावना, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावों से भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता होंगे शामिल। बादशाह सिंह के सपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। चुनावों से भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। लगातार नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है। वहीं अब बादशाह सिंह का नाम सामने आया है जो कि एक कद्दावर नेता है भाजपा के और अब वो सपा में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बादशाह सिंह के सपा में शामिल होने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। चुनावों से भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता होंगे सपा के नेता। बादशाह सिंह का दल बदलने का जो दौर है वो भी दिखाई दे रहा है। अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बुंदेलखंड के कद्दावर नेता भी भाजपा का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, चुनावों से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता होंगे सपा में शामिल। बादशाह सिंह के सपा में शामिल होने की संभावना। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता है जिनके भी अब सपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही, क्या कहेंगे?
है, बुनियाद क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शामिल है। दो बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से एमएलए रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने फिर जब बात बीजेपी से छोड़े थे तो उसके बाद उन्होंने बीएसपी में एंट्री मारी थी। उसके बाद एंट्री मारने के बाद वो बीएसपी गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से फिर अब आया है जो भारतीय जनता पार्टी का जो अब सरकार चल रही है, उसके बाद से लगातार उनकी अपेक्षा होती जा रही थी। वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो, पर अब तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, लॉबिंग उनकी इस तरह नहीं हो पा रही थी कि बीजेपी में आ पाए। अब उसके बाद से माना जा रहा है कि जिस तरह से अब हमीरपुर राठ महोबा जो बुनियादगंज क्षेत्र के अहम जिले हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है, पहले भी उनके कई विधायक वहां पर आए हैं, तो अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना उनकी मानी जा रही है। कुछ सूत्रों के हिसाब से उन्होंने बताया है कि जल्द ही बादशाह सिंह है जो मोडा के विधायक रहे हैं पहले और बुंदेलखंड क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शामिल है, वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना उनकी है। जी गौरव, ये भी जानना चाहेंगे कि बादशाह सिंह किस समुदाय को लेकर साथ चलते हैं और किसका सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है इनको? देखिए, अगर समुदाय की बात करें तो इनका जो बुंदेलखंड क्षेत्र खासा इनका जो आपका रौब है, इनका खासा दबदबा है। मैंने आपको पहले बताया कि कद्दावर नेताओं में शामिल है बुंदेलखंड क्षेत्र के और सारे लोगों के जनप्रिय नेता वहां पर है ये। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि तीन बार वो एमएलए रह चुके हैं, दो बार बीजेपी से एमएलए रहे हैं, इसके बाद एक बार बीएसपी से एमएलए रहे हैं और बीएसपी से वो मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं, तो बड़ा नाम है बादशाह सिंह और सारे लोगों के जो है जनप्रिय नेता है। पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार उनकी आई थी उस समय उनको कोई पद नहीं मिला था, एमएलए नहीं बन पाए थे। उसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार आई थी तब भी उनको कोई जो है उनको एमएलए नहीं बन पाए थे, विधायक नहीं बन पाए थे। उसका अर्थ माना जा रहा था कि वो जल्दी बीजेपी शामिल होंगे, पर बीजेपी में शामिल उनकी सारी उनकी संभावनाएं खारिज हो गई थी। जिस तरह से अब चुनाव पास आ गए हैं तो माना जा रहा है बीजेपी से उनको कोई यानी तवज्जो नहीं दी गई, उसके बाद अब उनका सपा में शामिल होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो बड़ा झटका लग सकता है भाजपा को इन चुनावों से, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता भी अब सपा में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। चुनावों से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, बुंदेलखंड के कद्दावर नेता भी सपा में शामिल हो सकते हैं और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां भाजपा के नेता बागी होते नजर आ रहे हैं, बागी तेवर नजर आ रहे हैं भाजपा के विधायकों के नेताओं के, और अब एक और नेता का नाम इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बादशाह सिंह का नाम भी अब सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो भी भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं और सपा का हाथ थाम सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, अभी तक 10 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया है, सपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश इस बात का खुलासा भी कर देंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।